अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे, हो फिट फाट हो? उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रुके की रिपोर्ट में होंगे। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एनिमी पीओवी दिखाओ। तो ये 1vs1 क्लैन के बंदे के साथ आईपैड प्लेयर है, लेकिन मैनू नहीं पता किरा आईपैड है। खैर, जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया ना, वहाँ पे बाबा जी एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई कमेंट कर रहे थे कि एनिमी में आप किस तरह के लगते हो। तो मैं बड़ा क्यूट लगता हूँ, तो आपने देख लेना। इस पर मजीद ये कि इम्पोर्टेंट बात करने लगा, वीडियो को लास्ट तक भी देखना, आपने पहले बता देता हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लेवल 3 उठाते हो, आप कैंपिंग करते हो वगैरह वगैरह। तो मेरी जान, जब मैं बोल रहा हूँ कि लेवल 3 अलाउ है, मतलब मैं भी उठा सकता हूँ, अगला एनिमी भी उठा सकता है, सिंपल। उसकी वजह यह है कि यार फेड़ा पड़ता है, नेड मारो, फिर पीछे से वापस आओ, फिर ऊपर किल्स थोड़े हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ बंदे कह रहे थे जी आप कैंपिंग करते हो, अगला बंदा रश करता है। तो मेरी जान, जो अच्छे TDM के प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान में हैं या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, आपने सिंपल उनकी एक TDM की गेम देख लेनी है, फिर आके मुझे बताना मैं कैंपिंग करता हूँ। मैं आपसे क्लियरली बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ सीखी है, ठीक है। मैं इस तरह पहले नहीं था खेलता। आज वाली वीडियो में आपका भाई फुल ओपन में रश कर कर मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है अगले एनिमी पे, ठीक है। जब आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनिमी हो ना, तो फिर इस तरह मैं नहीं खेल पाता। पीछे जो आपने रूम्स देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनिमीज थे, उनके खिलाफ इस तरह मैं नहीं था खेल सकता जिस तरह मैं इस रूम में खेल रहा हूँ। आप लोग देखना कि मैं रश करके घुस के फुल ओपन में एम पक्का रख के मार रहा हूँ। और ये भी नहीं कि ये बंदा कोई लो डिवाइस पे खेल रहा है, ठीक ठाक डिवाइस है इसकी, MS वगैरह सब कुछ ओके की रिपोर्ट में है। एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू आपने देख लेना है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, और भाई को सपोर्ट भी करनी है, सब्सक्राइब वगैरह करना है। और ये चीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर कि एक बंदे की TDM में कितनी प्रैक्टिस है। अब ये भाई हैं, ये क्लासिक के प्लेयर हैं, वैसे तो मैं भी क्लासिक का प्लेयर हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैंने ये क्लैन का टूर्नामेंट अरेंज कराया, मैंने मैचेस खेले हैं हार्ड प्लेयर्स के खिलाफ। आगे आगे जाके आपको और भी चीज़ें नजर आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और ये टूर्नामेंट एंड की तरफ जा रहा है, अब जो मेन जो किंग है हमारी क्लैन का, आप लोग मे भी ना जानते हो, लेकिन वो जब फाइनल मैच होगा तभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो सबसे हार्ड प्लेयर है क्लैन का, उसी के साथ फाइनल मैच होगा, ठीक है। तो वो आपने मिस नहीं करना, ओके हो गया, क्योंकि उससे मैंने बजाते खुद बहुत ज़्यादा फंड खाई है, ठीक है, मैंने बहुत मार खाई। और ये भी कमेंट्स मैंने देखे थे कि यार आप हारते नहीं हो, आप हारने वाला रूम भी लगाओ। मैं खुद मानता हूँ मुँह से, मैं बड़ी ज़्यादा कुट खा जाता होता हूँ, हारता भी हूँ, लेकिन यार मैं वो भी वीडियो पान लग पाया, तो तुसी वेखना की है, हैं, वो टाइम वेस्ट वाला सीन हो जाता है, समझ रहे हो। इन शॉर्ट क्वालिटी कंटेंट ही दिखाना है आपको। तो अभी बातें मजाक मजाक में लंबी हो गई हैं, और स्ट्रीक भी काफ़ी लंबी हो गई है, और कहीं पे आपका भाई कैंपिंग करता नज़र नहीं आएगा, ना TPP लेता नज़र आएगा, क्योंकि अगले बंदे का हिसाब 2-3 किलो में लग जाता है कि वो मतलब किस तरह का प्लेयर है। तो ये भाई इतना कोई TDM नहीं खेलते, इस वजह से यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो रूम इंजॉय करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। यार नहीं, कुछ ऐसे ग्लिच है, क्या चक्कर है ये, रुक। The match is over, and the blue team is in the lead.
नाइस हो गया यार। रीलोडिंग। Expired. Blue team victory. Good job, nice.